ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान शिव के पांच अवतार सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान, ये जो पांच अवतार हैं, इनका वर्णन आपने शतरुद्र संहिता के प्रथम अध्याय में कल सुना और इसके आगे के अवतार आप आज की कथाओं में सुनने वाले हैं। शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के सभी अवतारों का वर्णन किया गया है, जो कि अलग अलग कल्पों में भगवान शिव ने अवतार लिए हैं। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन और परम कल्याणकारी आनंददायी कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे शिव जी की अष्टमूर्तियों का तथा अर्धनारी और नर रूप का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतएव सुखदाता है। हे तात, यह जगत उन परमेश्वर शंभु की आठ मूर्तियों का ही स्वरूप है। जैसे कि सूत में मड़ियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित रहता है। वे प्रसिद्ध आठ मूर्तियां ये हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन शर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वम्भरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलिलात्मक रूप, जो कि समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता है तथा स्पंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूतवृंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भवपाश का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह द्यूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का आठवां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए यह सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह से शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को देखकर पिता प्रसन्न होता है, हर्षित होता है, उसी तरह से विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई भी देहधारी को कष्ट देता है, तो निस्संदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी नर रूप का वर्णन सुनो। हे महाप्राज्ञ, वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को प्राप्त नहीं हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी होकर चिंताकुल हो गए। उसी समय यो आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योमवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार तो किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था, इसलिए पद्मयोनी ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे इस प्रकार विचार करके कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तप करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। उसके बाद तप और अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिवजी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप में ब्रह्मा के निकट ही प्रकट हो गए। उन देवाधिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देखकर ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव परमेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, हे महाभागवत, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें
तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। यो स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, हे शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। हे शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री और पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि की रचना करना मेरी शक्ति के बाहर है। चूंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम्ही हो, इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि हे शिवप्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। हे वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। हे जगन माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर ये है कि हे सर्वव्यापिनी, हे जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभाशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिवजी ने कहा, हे देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शिवजी के महान अनुपम अर्धनारी नरार्ध रूप का वर्णन कर दिया। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। और अब आप सुनेंगे वाराह कल्प में होने वाले शिवजी के प्रथम अवतार से लेकर नौवें अवतार तक, ऋषभ अवतार तक का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर जी के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, हे ब्रह्मन, वाराह कल्प के सातवें मन्वंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो कि तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मन्वंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। हे ब्रह्मन, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्याप्त होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी चार शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिक, श्वेताश्व और श्वेतलोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर परब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। हे वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतुक साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा और वहां भी मेरे दुंदुभि, शतरूप, ऋषिक तथा केतुमान नामक चार वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशन नामक चार पुत्र होंगे। हे चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ लेकर व्यास की सहायता करूंगा।
और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे चार योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। हे ब्रह्मन, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुम और दुरतिक्रम। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। पांचवे द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। हे ब्रह्मन, वहां भी मेरे चार योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः छठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे चार दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरजा, संजय तथा विजय। हे विधे, सातवें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगीषव्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। और उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवाह और सुवाहन नामक चार पुत्र होंगे। आठवें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेदव्यास होंगे। हे योगवित्तम, उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिक और सालवल नाम वाले मेरे चार योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। हे ब्रह्मन, नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पाराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के चार महायोगी मेरे शिष्य होंगे। हे प्रजापते, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। हे सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। हे ब्रह्मन, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो कि विषदोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदनंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो कि मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे। हे प्रजापते, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीनवत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड़ग प्रदान करेंगे। फिर कृपापूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यो माता सहित भद्रायु को भलीभांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित होकर प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। हे ब्रह्मन, तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीत कर और कीर्तिमालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। हे मुने, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभावशाली होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु साहित्यकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनाना चाहिए। और अब आप सुनेंगे शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। भगवान शिवजी कहते हैं, हे ब्रह्मन, 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वतों में उत्तम भृगु तुंग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित चार पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंगु, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन केतुशृंग। और 11वें द्वापर में जब त्रिवृत्त नामक व्यास होंगे तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। और वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक चार दृढ़व्रती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में शततेजा नाम के वेदव्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। हे महामुने, वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समय बुद्धि, साध्य और शर्व नामक चार उत्तम योगी पुत्र होंगे।
13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वालखिल्याश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक चार सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और स्नविष्कट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रैया रुणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेदशेष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय लेकर वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे चार दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणी बाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे काश्यप, उशना, च्यवन और बृहस्पति नामक चार पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब देव कृतंजय व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार लूंगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है, वहीं उतत्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी वाचाश्रवा, रुचिक, श्यावास्य और यतीश्वर नामक मेरे चार तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। और वहां भी मेरे सागर से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो कि सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चरणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, वहां अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न चार पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वान, कबंध और कुणिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाचश्रवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा और इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहां भी मेरे प्लक्ष, दारभायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के चार परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब शुष्मायण नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसीपुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुद्धधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक चार परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृण बिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर्वत पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उशिक, बृहदश्व, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध चार तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व, शरद्वसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगन, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उलूक, विद्युत, शंबूक और आश्वलायन नाम वाले चार तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा और वहां भी अक्षपाद, कुमार, उलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्रीहरि पाराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा मैं भी
लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर श्मशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्रह्मन, वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वे वेदों के पारगामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मन्वंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। हे विभो, 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में। प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके चार अविनाशी शिष्य भी होंगे जो कि महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी और ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपारायण, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। वे शिवजी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्णावतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। इस प्रकार महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया है और अब आप नंदीश्वर अवतार का वर्णन सुनेंगे। सनत कुमार जी ने पूछा, हे प्रभु, आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृतांत मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलात नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलात भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधिमग्न शिलात को थपथपाकर जगाया। तब शिलात ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा, हे तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने भी मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए हे मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, यो कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देकर वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभू की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभाशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटामुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए
मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, तदनंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। हे महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुँच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदनंतर शालंकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर पांचवें वर्ष में पिताजी ने मुझे शांगो पांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। सातवां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, हे तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु एक वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यो कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्त होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, हे पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँ। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्यान्य प्राणी ये सबके सब मिलकर मुझे मारना चाहे, तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत हो। तब पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, हे तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय है ही नहीं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। नंदीकेश्वर कहते हैं, हे मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्धभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधारकर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, हे शिलादनंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यो कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का निवारण करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर, गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहने लगे, वत्सनंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अजर, अमर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और श्रुत वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्वभाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना ही रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, यो कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। हे विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा।
तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नदी हो जाओ यो कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा पांच सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिश्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। हे मुने, यह पंचनद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, हे अव्यये, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, हे देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर, शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए हे नाथ, यह मुझे बहुत ही प्यारा है। उसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। शिव जी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। हे महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, हे सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेहपूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए हे वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजेय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। हे पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। हे वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक होकर मुझ नंदी से बोली, बेटा तुम मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से बोली। देवी ने कहा, हे वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे तीन नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी, तथा तुम्हारी मुझमें और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इसके बाद शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृष पर आरूढ़ होकर संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव और शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। हे वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। हे महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझे नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ, और आगे आप कल और भी बहुत सारे रोचक वृतांत सुनने वाले हैं। कई ऐसे अवतार
जिनका वर्णन अत्यंत ज्ञानवर्धक भी है और आनंददायी भी है और रोचक तो है ही। तो काल भैरव का महात्म्य भी कल आप सुनने वाले हैं और इसके अलावा सुचिष्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में भगवान शिव के प्रकट होने की कथा भी आप सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कल की कथा भी आप लोग ज़रूर सुनेंगे। और हाँ, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।